हेलो गाइस, स्वागत है हमारे वापस से नए वीडियो में। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे और हम भी मस्त हैं। और अभी मैं हूँ जैसलमेर में, लगे हुए हैं क्योंकि हम बता दें हमारे साथ एक भैया जी और हैं, बाबा भाई करके नाम से हैं, जो कि है साइकिल ट्रैवल कर रहे हैं। भाई और भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। और भैया कहाँ से हो आप? मैं यूपी अलीगढ़। यूपी अलीगढ़ से अभी कितने स्टेट कम्प्लीट हो गए? मेरे 5 स्टेट कम्प्लीट हो गए, 6 स्टेट में हूँ मैं। टोटल 20 स्टेट करने हैं मुझे। ओहो, कितना टाइम हो गया? कितना मंथ? 8 महीने हो गए, 3 साल का ट्रिप है कंटिन्यूस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो हम रात को नाइट स्टे साथ में किए थे, मस्त अपना देसी तरीके से खाना भी बनाए थे, है ना? मजा आ गया रात को। मजा आया बहुत। और भाई बहुत अच्छी लोकेशन थी, भैया ने बताया था, मुझे तो पता नहीं था यहाँ। और तो ये मेरे पीछे सामने ही देख पा रहे होंगे, ये है गड़ीसर लेक, और यहीं पर नाइट स्टे किया था। बहुत अच्छा लग रहा, वैसे भी जैसलमेर गोल्डन सिटी में बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छी व्यू, बहुत ही अच्छे नज़ारे, आपको क्या ही बताऊँ भाई। सवा सवा का ये व्यू कुछ है, काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अपने टेंट टेंट कैंपिंग किए थे और नीचे चल के आपको दिखाते हैं हम गड़ीसर लेक, जैसलमेर नाम से जानते हैं यहाँ पर। यहीं से राजस्थान जैसलमेर। देखो भैया बदको को बुला रहा है, भैया जी की आवाज पे बदक आ रही है। देखो वहां से आ रहे हो, इधर ही आएंगे। तो ऊपर भी चढ़ के आ गए, देखो ऊपर भी आ गए। तो फिर चलो यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। और भाई कहाँ जा रहे हैं आज आगे की तरफ? सम। आप? सम। तो भाई सम की तरफ जा रहा है, तो हम भी सम की तरफ जाएंगे। और जैसलमेर में बहुत जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, जैसे यहाँ पे किला हो गया, ये गुड़ीसर लेक हो गया, और अभी जा रहे हैं सम डिजर्ट देखने के लिए। और भाई भी जा रहा है साथ में, तो चलेंगे साथ में दोनों। और यहाँ पे भाई की ये खड़ी है भाई साइकिल, बाबा भाई करके नाम से ये भाई की साइकिल है भाई, इससे ट्रैवल करते हैं भाई। और अपना यहाँ पे टेंट लगा है और क्लोज करते हैं टेंट को और चलते हैं यहाँ से। काफी टाइम भी हो गया सुबह सुबह का, चलो टेंट क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। फाइनली काफी देर के बाद हमारा इंतजार हुआ खत्म और हम पहुंच चुके हैं सम भाई। और सम आते हुए हमको रेगिस्तान का जहाज मिल चुका है, देखिए रेडी खड़ा है भाई घूमने के लिए। ये है भाई रेगिस्तान का जहाज और ये पूरा सम डेजर्ट है भाई। अभी तो ना बहुत धूप है भाई, बहुत धूप है, शाम को ना बहुत मजे आते भाई यहाँ पे, ना पूरा रेत ही रेत, बालू ही बालू दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा भाई। जहाँ तक नजर जाएगी ना आपको रेत ही रेत नजर आएगी। और ये पूरी गाड़ी खड़ी हुई है एक्टिविटीज करने के लिए, रेत के ऊपर चलते हैं भाई। और काफ़ी रात को प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे, रिजॉर्ट बने हैं बहुत सारे, होटल्स मिल जाएंगे रुकने के लिए, बहुत सारे ऊंट्स, रेगिस्तान के जहाज खड़े यहाँ पे भाई बहुत सारे। यहाँ पे ना पानी का भी बहुत दिक्कत होता है, मुश्किल होता है यहाँ पे, पानी तो मुश्किल ही है मिलेगा, पता नहीं देखते हैं फिर क्या हाल होता है यहाँ पे। अभी यहाँ तो गए जैसे तैसे। तो फाइनली काफ़ी देर के बाद भाई हम आ चुके हैं सम डेजर्ट में। और अभी मैं रोड पे था काफ़ी टाइम से, क्योंकि दिन में धूप थी ना, तो अभी शाम को आ गया भाई। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है भाई, जहाँ तक नज़र ही नज़र जाएगी ना आपको रेत ही रेत दिखाई देगी भाई। ये देखो भाई पूरी मज़ा आ रहा भाई, पूरी धूल जैसा लग रहा, पूरा रेत पूरी धूल है। वो देखो ठंडी बहुत है भाई रेत, अभी शाम को ना सुबह बहुत ठंडी हो जाती है, दिन में गर्म रहती है भाई, धूप पड़ती है ना बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना बहुत सारी कैमल राइड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं भाई। वहाँ पे मेरा बैग रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई सम डेजर्ट, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। और यहाँ पे जीप राइडिंग भी कर सकते हो, जीप सफारी और कैमल बग्गी और पैरालाइडिंग भी होती है साइड में। ये ना पूरी जगह घूमने की है भाई, एक्टिविटीज़ होती है। और बहुत सामने हमारे बने हैं बहुत सारे रिजॉर्ट, और जिनमें रात को ना शाम को राजस्थानी कल्चर में प्रोग्राम होते हैं, डांस होते हैं भाई। ये सारे रिजॉर्ट बने भाई रोड को उस तरफ। और अभी हम आए हैं यहाँ पे
पूरा घूमने के लिए भाई थक रहा है ना रेत में पूरा चलते चलते, क्या भी बता भाई। और अभी सनसेट भी हो रहा है, एक सनसेट पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ से पूरा सन दिखता है पूरा। देखो काफी लोग यहाँ पे मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहा भाई। मजा आ रहा भाई, और वैसे हम सोच रहे थे यहीं पे रात गुजारने की, टेंट लगाने की, लेकिन ना वहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं रात को बहुत ठंड लगेगी भाई, तो इसलिए रुक पाना मुश्किल है वहाँ, क्योंकि रेत है ना पूरी ठंडी हो जाती है रात को, और इतने ज़्यादा हमारे पास कपड़े भी नहीं है क्योंकि स्लीपिंग बैग नहीं है। हमारा स्लीपिंग बैग एक्चुअल में महाराष्ट्र में छूट गया है, और देखते हैं शाम गुजारेंगे कहीं, टेंट तो लगाएंगे और देखते भाई। काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया भाई, हम यहाँ ना दिन में ही आ गए थे 12-1 बजे से, आराम कर रहे थे यहीं पर, फोन ऑन चार्ज किए, तो इसलिए बहुत टाइम हो गया भाई, काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं। साथ में हमारे हैं बाबा, बाइक का है, साइकिल ट्रैवलर भाई। मजा आ रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है? मजा सब किरकिरा हो गया। क्यों? वो सूरज चला गया यार। अरे भाई तुम लेट आए ना, हम कब 12-1 बजे? मैं लेट नहीं आया, मैं बिल्कुल ऑन बिल्कुल टाइम टाइम पे आया हूँ, लेकिन आप लोग बहुत दूर थे। अरे भाई क्या कर लू, सुबह भी तो होगी ना, सूरज फिर आएगा सुबह, क्यों टेंशन ले रहे? सूरज सुबह आएगा, फिर जैसे सुबह जागेंगे ना सूरज दर्शन देगा, रो मत, मजे लो। कैसा लगा? क्या करें, कहाँ चल रहे हैं, टेंट कहाँ लगाने वाले? टेंट लगाएंगे वहाँ पे पीछे, लोगों ने इतने सारे लोगों ने बुलाया, इनवाइट किया है, कोई नहीं वहीं रुक जाएंगे, कहीं भी रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फिर दिक्कत होगी, वही खाना बनाने की दिक्कत होगी, ठंड लगेगी, सर्दी लगेगी, वही तो। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सर्दी लगेगी, मेरे पास स्लीपिंग बैग नहीं है ना, मजे लगा अभी जब तक। टाइम से लोकेशन पे पहुंच लो, मेरे बात मानो। चलो चलो हम आ रहे हैं, आप चलो साइकिल से, हम तो आ जाएंगे। फाइनली काफी देर से हम राजस्थानी लाइव संस्कृति शो देख रहे थे, और काफी देर से चल रहा था, और अभी काफी टाइम हो चुका है भाई, 10 बजने वाले हैं और बंद भी होने वाला है, और काफी देर से बहुत अच्छा लग रहा है भाई, फास्टिंग मिली और हमको यहाँ पे डांस देखने को मिला, तो अभी खाना खाने का टाइम हो गया, तो खाना खाते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और जो पूरा रिजॉर्ट आपको दिखाते हैं, और इधर भी अभी चल रहा है डांस, और थोड़ी देर और चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा। चलो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।